भी बोले थे ना कि पार्टी कोई नॉर्मल नहीं करते, पार्टी इतनी धमाकेदार जैसे होती है ऐसे शादी लगता हो। है ब्याह चलता पाया। हाँ तो हेलो हेलो गाइस, तो गाइस, गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम देख करने वाले हैं वीआईपी सॉन्ग बाय राज रंजोत जी विद दिलजीत दुसांझ जी। दिलजीत पाजी और राज रंजोत जी बहुत तकड़े फ्रेंड्स भी हैं। दिलजीत पाजी के बहुत सुपरहिट गाने राज रंजोत जी ने लिखे लिखे हैं, हुए बहुत हैं। ही तकड़े लिरिसिस्ट हैं राज रंजोत जी। और इसमें सिंगर भी खुद हम पहली उनको सिंगिंग करते शायद पहली बार ही बार देखेंगे, देख है रहे हैं। ना। इसमें म्यूजिक है, यह प्रूफ का म्यूजिक है, इसमें ओ वीडियो है सुकरण पाठक एंड रुपेन भारद्वाज। हाँ, यहाँ पे ना ये देखो लिखा हुआ है इनके दोनों के और सारे बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं जो कि आपको डांस करवाएंगे। ये लिखा भी हुआ लवर सॉन्ग भी, हाँ जैसे ऋतराज रंजोत जी ने लिखा था यार। वो टॉमी दिया जिन्नानी, वो भी राज रंजोत वो जी ने भी। लिखा है। हाँ क्या इमेजिनेशन थी उस गाने में, है ना, कि बहुत हटके था वो गाना। हाँ लक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया टॉमी दिया जिन्नानी। तो जिन्नानी। गाइस सुनते हैं वीआईपी। असूल बन गए ट्रालिया च पूल बन गए बलिए नी देसी जट कूल बन गए यार फिर सहेलियां हो यार तेरा वी आई पी जट दी चढ़ाई पूरी जट्टी एस रॉक वर्गी ताही अग लाई पूरी जट्टी एस रॉक वर्गी। हाँ। कोई ब्रांड दारू का ब्रांड होगा पता नहीं, क्योंकि हाथ में वो ग्लास पकड़ा था, मुझे लगा दारू का ब्रांड आई होगा। पी जट दी चढ़ाई पूरी जट्टी एस रॉक एस वर्गी ताही अग लाई पूरी लिखना था था स्कूल बन गए ट्रालिया च पूल बन गए बल्लिए नी देसी जट कूल बन गए बल्लिए पहले यार फिर सहेलियां आउंदियां महफलां दे रूल बन गए बल्लिए पहले जो जट्टां दी आदत बन गई है देसी ही पीनी है, पहले यार आंदे है फिर आंदियां सहेलियां, है ये ना। रूल बन गए हैं। हाँ मतलब ये यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात ही की है, हाँ ठीक है। दिलजीत पाजी की जो एंट्री हुई थी ना, वो एक धमाका हुआ था एकदम से, हाँ है ना। हो तेरी थां ते मूरे सीट ते कौनी है के रखी हुई या ओ अख च प्यार भाल दी जो नगनी ना टकी हुई या कौड़े वाली कौड़ी जी कुड़ी गबरू बिलो तेरे हुस्न खरूद ठाले ने टीसी आले बेर उत्ते अख रख दे वहम मेरे साले ने बड़े पाले ने पराली वांगू फूकती मंडीर सोनी है काली काली अख पराली वांगू फूकती मंडीर सोनी है टीसी आले बेर उत्ते अख रख दे वहम मेरे साले ने बड़े पाले ने पराली वांगू फूकती मंडीर सोनी है काली काली अख च बरूद ताले ने तेसी मोरनी बनाई दादे ने इंस्टा देखी की हुई रील्स, है ना। इंस्टा की रील्स के क्लिप हाँ। है। यार जे क्रूल बन गए ट्रालिया च पूल बन गए बल्लिए नी देसी जट कूल बन गए बल्लिए पहले यार फिर सहेलियां आउंदियां महफलां दे रूल बन गए बल्लिए वाह यार
ट्राली वर्सेस पूल। अच्छा वो बोर्ड पे ना अपने गानों के नाम भी लिखे हैं जो हाँ। ये देखो टॉमी क्लैश लवर वाइब गिटार पीड। क्या बात है यार दिलजीत पाजी की जो भी तो दिलजीत पाजी की जो लेटेस्ट दो एल्बम थी मून चाइल्ड इरा और बोर्न टू शाइन उसमें भी राजन जोशी जी के बहुत गाने हैं। वो पीछे भी लिखा हुआ था ना बोर्ड पे हाँ। पर गाना धमाकेदार था वाइब वाला था जो दिलजीत पाजी का तो यार स्वैग हमें स्वैग पता ही है हाँ। वो पूरा स्वैग दिखा रहे थे उसमें खुद भी वाइब कर रहे थे ठीक हाँ। है वैसे ही वाइब वाला गाना था। राजन जोशी जी को हमने गाते हुए पहली बार देखा है पर कॉम्बिनेशन खतरनाक लग रहा था दोनों का। और जो इसमें म्यूजिक आ रहा था वो ड्रम की आवाज आ रही थी ड्रम प्लेट्स होती हैं उसकी प्लेट्स की आवाज पूरे बैंड काफी आ रही थी पूरा बैंड था हाँ। हाँ, पर एक तरह बोल सकते हैं कि पीछे ढूम ढूम जैसे टोलकी की आवाज होती है तबले की आवाज हाँ, होती है उसकी उसके बेस पे ही वे गाना चल रहा हाँ, था तो इसीलिए वो नचा रहा था। बिल्कुल साथ में जो म्यूजिक था वो थोड़ा वाइब वाला म्यूजिक हाँ, ही था तो वो नचा रहा था। और जो इन्होंने ये वाली रील देखी होगी जो हमने भी देखी है ना वहीं से गाना आ गया चलो भी इस पे गाना बनाते हैं मतलब लाइफ स्टाइल था एक हम वही है नहीं चाहे हम चेंज हो चुके हैं कूल बन चुके हैं लेकिन हमने जो हमारा बेस है वो नहीं छोड़ा ट्रालियों में पूल बना लिया है ना जो है जट वही है हाँ। यारों को पहली प्रेफरेंस देते हैं चाहे अगर लड़कियां आई भी हैं ग्रुप में हाँ, तो या वो बाद में है वो बाद में है जो प्रेफरेंस पहली है वो यार ही हैं। पूरे लाइफस्टाइल की बात की है बीच में लड़कियों की तारीफ भी की है दिलजीत पाजी ने भी जैसे एक ब्रांड के साथ कंपेयर किया था ताई अग पांदी पई है हाँ। एक बोला था सुरमा बरूद वो वाली बात की थी और राजरंजोत जी ने भी एक दारू के ब्रांड की बात की थी तो हाँ। वो ऐसे इसमें वो हमें इसीलिए पता लगा क्योंकि उन्होंने ऐसे इशारा किया था हाँ। पर ओवरऑल लाइफस्टाइल वाला ही गाना था कि क्या क्या लाइफस्टाइल है लड़के का क्या क्या टॉर है हाँ। क्या स्वैग है तो वो सारे सही जा रहा था यार वाइब में हाँ। पर दिलजीत पाजी ने ये गाना मतलब कोई बिना अनाउंसमेंट करे कुछ भी बिना बताए रिलीज कर दिया हाँ, पर सरप्राइज ही दिया एक तरह से फैंस को। इसका थंबनेल देखो जैसे वो एक शानदार पार्टी चल रही है ना वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे वीआईपी लिखा हुआ है ना एक वैसे बॉक्स बना हुआ है ना अपना जो लाइफस्टाइल बताया वो एक वीआईपी वाला हाँ। ही बताया। ये भी बोले थे ना कि पार्टी कोई नॉर्मल नहीं करते पार्टी इतनी धमाकेदार होती है ऐसे लगता है ब्याह चलता पाया तो वही पूरा अपना लाइफस्टाइल ही था। तो ठीक है गाइज एकदम नया गाना दिलजीत पाजी और राजरंजोत जी का और करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो लाइक मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।